भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर हंगामा मच गया। रमेश बिदूड़ी की सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। जिन सांसद दानिश अली को बिदूड़ी ने अपशब्द कहे हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। कुंवर दानिश अली अमरोहा से सांसद हैं। उनका जन्म 10 अप्रैल 1975 में हुआ था। हापुड़ के गांव भंडा पट्टी के रहने वाले हैं। दानिश अली ने बीएससी ऑनर्स एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। दानिश अली 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी, जिसका सपा से गठबंधन था, उसके रूप में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तनवर को 63,000 वोटों से हरा दिया था। दानिश अली की गिनती पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के करीबियों में होती है। आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र में विभिन्न चर्चाओं के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच जमकर बहस हुई। इस बीच बीते दिन लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर जब चर्चा हो रही थी, तो भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस पर हंगामा मच गया। बिदूड़ी ने कहा कि पीएम को क्रेडिट देना ही होगा, क्योंकि उन्होंने काम किया है। इस बीच सांसद दानिश अली की आवाज सुनते ही बिदूड़ी भड़क गए और उन्हें उग्रवादी और आतंकवादी तक कह डाला।